आपका कम से कम समय लेकर इस स्क्रीनर कम स्कैनर के 12 पैरामीटर्स जो कि चेंजेबल हैं, ऊपर वाले जो बैकग्राउंड दिख रही है ये काले रंग के 5 पंक्तियाँ, इसमें 12 पैरामीटर्स हैं। और ये कोई भी जो प्रो यूज़र है वो अपने हिसाब से ज़रूरत के मुताबिक सारा दिन इसको चेंज करके इन 12 पैरामीटर्स को अपनी इच्छा के वो शेयरों की पड़ताल कर सकता है। जो 1357 टोटल स्क्रिप्ट हैं जो कि ऑनलाइन हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में है, सभी के लिए उस लिंक के ऊपर देखी जा सकती हैं। तो उसमें से ये सारा फिल्टर होके आते हैं 12 पैरामीटर्स में। कैसा पैरामीटर बनाने हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये सिंपल सा टेबल वाइज पैरामीटर है, सिंपल सा। तो इसमें जो ऊपर दिए हुए हैं वो सिंपल बातें जो आम लोग जानते हैं वो रखे हैं, वो बॉलिंगर बैंड क्या होता है या वो बड़ा आड़ जंजाड़ है इसमें, है ना। तो ये सिंपल है, तो सिंपल का मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है। तो पहला तो है PCTM बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मैंने ये 2 बार रखा है और 20 बार रखा है, और टोटल क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास, ये पैरामीटर में से जो गुजर के आए हैं शाम तक क्लोज़ हो चुकी है मार्केट। तो पहले 5 पंक्तियाँ तो वो ख़त्म होगी ऊपर बड़े पैरामीटर्स लिखने के लिए, और नीचे जो टोटल है ये 53 पंक्तियाँ हैं, तो 48 पंक्तियाँ हैं जो मैक्सिमम इसमें इस्तेमाल होती रहती हैं, इतने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रेड तो 2 या 3 लिए जाते हैं सारे दिन में, 2 या 3 स्क्रिप्ट से ही, कुछ ज़्यादा नहीं, और मैक्सिमम 5 ले लेगा कोई इंट्राडे ट्रेडर और नहीं, 3 नहीं होते हैं वैसे तो आदर्श रूप से। तो पहला ITDCM है जो 10:52 पर 20% के सर्किट को छू गया था, इस स्कैनर ने उसको अपने जब 4% पर था तब रडार पर आ गया था। तो उसके बाद में ये चला था, तो वो देख सकते हैं आज। हालांकि मार्केट आज बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मूड में थी, टेलीविज़न के अनुसार तो वो 150 था कि पता नहीं 200 था कि अंक नीचे, निफ्टी ही था, काफ़ी था 150, मेरे को नहीं याद, मैं उधर नहीं देखता ज़्यादा, मैं तो इस स्कैनर को देखता हूँ जो स्क्रीन पर जो अपीयर हो रहा है। और इसमें तो अलग ही तरह की आते हैं आइटम्स, बड़ा है मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर ये नहीं है कि भाई कोई शेयर चल रहा है वो चलता ही रहेगा, वो तो अदल बदल बहुत करते हैं, हमें यह पता ही नहीं होता कहाँ कहाँ से चीज़ें ढूंढ के आती हैं। और जो चीज़ें ऊपर जा रही होती हैं वो धड़ाम से फिर नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं, उसमें बड़े तरह के लोग हैं आपस में अंतर्विरोध हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। तो डेली ही, मतलब मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ, इन 1357 में से हर रोज़ चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ऊपर तो 10-12 तो आइटम रोजाना ही, ऊपर वाले जो होता है ब्रेकआउट वो करती हैं 52 हफ्तों का, तभी आएंगी ना इतनी ज़्यादा। तो ये तो होता ही है, ये गति इसी तरह की है। तो अब हम इसको देखते हैं सारे टोटल 12 पैरामीटर्स को। तो पहला तो PCT पर परसेंटेज चेंज में हो गया, जिसमें मैंने 2 रखा हुआ और 20 रखा हुआ। अब 2 को थोड़ा सा घटा दें, 2 को और घटा दें तो ये ज़्यादा हो जाएंगे शेयर। 2 को हम कर देते हैं 1.5 करते हैं तो देखते हैं, 1.5 करने से ये 1.5 हो गया मिनिमम, और मैक्सिमम में मिनिमम में हो गया 1.5, और यहाँ थोड़ी सी संख्या बढ़ गई, और 1 ही कर देते हैं तो और क्या फर्क पड़ता है, 1 करते हैं तो, और देखते हैं अब 1 कर दिया है तो उधर से इधर आने में ये नहीं कोई बड़ा, तो वो किसी और पैरामीटर के एक दो बढ़ गए हैं, तो ये बढ़ गए हैं। तो उसके बाद में ये है आगे वॉल्यूम क्रोर बिटवीन। वॉल्यूम क्रोर का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है वो संख्या से नहीं है कि 1 शेयर 2 शेयर, वो संख्या की मल्टीप्लिकेशन वैल्यू से है, प्राइस से है। तो तभी तो है ना कि कोई 15 रुपये का शेयर हो सकता है वो उसकी बहुत सारी ज़्यादा संख्या, और कोई एक ही शेयर है तो उसमें आपस में कैसे पता चलेगा। वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ शेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
उसको उसमें कन्वर्ट करके ये आता है। तो यहाँ 30 करोड़ की वैल्यू लिखी है मिनिमम, मैंने उधर मैंने 5,000 की कर दी वीडियो बनाने के लिए, डेमो बना रहा था तो इसलिए। तो अब हम इसको 10 कर देते हैं, घटा लेते हैं, और ताकि हमारे पास काफ़ी लेने पड़ी है ना, तो थोड़ा सा हम इसको लूज़ करते जाते हैं, 20 कर देंगे ताकि और आ जाए इसमें, 20 कर देंगे तो ये कोई बढ़ेंगे, नीचे लाइनें हैं ये बढ़ जाएंगी, थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है, ये बढ़ गई। अब देखो ना ये 20 जो PCT लिखा हुआ है, अब PCT नहीं सॉरी, हमने ये वैल्यू क्रोर वाला जो टेबल था हरे रंग के ना लास्ट बड़े लाइन स्क्रिप्ट एक्स बड़ा और छोटा एक्स, फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज और उसके बाद वैल्यू क्रोर है, तो इसमें हमने 20 किया तो फिर ये उसमें और भी आ गए शामिल हो गए, और 28 बड़ा आ गया, पहले वो नहीं आ रहा था 30 पर, तो ऐसे करके ये आ गई। तो उसके बाद में रिट्रेस बिटवीन, तो मिनिमम मैक्सिमम रिट्रेस में ये मिनिमम मैंने माइनस लिखा है, माइनस इसलिए लिख देते हैं, इधर भी पहले भी लिखा था PCT में भी 20 से थोड़ा सा ज़्यादा लिखा था, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लिखा, 10 पैसे ज़्यादा लिखा तो वो इसलिए लिखा कि अगर 20 करता था तो ये ITDCM नहीं आता, सर्किट अपर को छू गया, तो फार्मूला तो ये है ग्रेटर देन और या लेस देन, इक्वल फार्मूला तो मेरे को आता नहीं है, ही नहीं है शायद उसमें, नहीं है एक्सेल में भी नहीं है और इसमें भी गूगल शीट में भी नहीं है, तो ग्रेटर देन और लेस देन होता है, तो ये इसको लिखते हैं तो मैक्सिमम है तो 20 लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा ना लेस देन, मिनिमम है तो ग्रेटर देन एक से लिखना पड़ेगा, अब नहीं लेस देन करता था तो ये आता नहीं था क्योंकि वो 20 है, और लेस देन का मतलब जो 20 नहीं है तो थोड़ा सा 0-1 आगे डालना पड़ेगा, इसी ढंग से दूसरा ये रिट्रेसमेंट में, रिट्रेसमेंट में जो दिखाना होता है वो ये होता है कि 30 का मतलब क्या हुआ कि 30%। तो ऐसा है कि अगर 100 का शेयर है वो 10 अंक ऊपर चढ़ा है तो 100 का है तो 10% की बढ़ोतरी होगी और बाद में वो 107 पर उसका प्राइस हो गया, तो हम कहेंगे कि वो 30% टूट गया, शेयर की वैल्यू से तो वो 3% ही टूटा है, लेकिन जो हाई लो है उसके बीच में जो सारे अंक हैं उस अंकों के 10 के पीछे 3 अंक टूटे हैं तो 30 है, तो ये रिट्रेसमेंट 30 की। तो इस तरह से जो आदर्श शेयर होते हैं सुबह सुबह जो ऊपर जाते हैं फिर ऊपर सांस लेते हैं, तो वो जो 30 के 35 के नीचे आके मैक्सिमम 45 के नीचे आके ऊपर को चलना शुरू कर देते हैं, 50 से नीचे तो वो गए हुए मान लिए जाते हैं, उनको कमज़ोर मान लिया जाता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं हम कर रहे, मैं सिर्फ इसका डेमो बता रहा हूँ कि ये है क्या चीज़, इसका प्रो कैसे काम करेगा, अदरवाइज जो प्रो का मतलब स्कैनर कम स्क्रीनर, और जो अकेला स्क्रीनर है वो तो ऐसा जैसे मैं चलाया हुआ वही फार्मूला चलता रहेगा, तब्दीली होती रहेगी उसी फार्मूले के अनुसार में जो मैंने वैल्यू डाली है, हो सकता है मैं 10 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन चला जाऊं या मैं ट्रेडिंग कर नहीं कर रहा या इसको कंप्यूटर पर नहीं बैठा हुआ तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन वो चलता रहेगा स्क्रीनर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसको लिंक से देख सकता है। लेकिन स्कैनर जो आपने अपनी इच्छा के अनुसार सभी ने अपना इंडिविजुअल लेना है, तो जो भी वो अपनी चॉइस का ये क्राइटेरियाज बरते रहेंगे, सिंगुलर होता है क्राइटेरिया, बहुवचन को क्राइटेरिया बोलते हैं, लेकिन हम जब हिंदी में बोलते हैं तो क्राइटेरिया बोलते हैं, तो वो होता तो बहुवचन है लेकिन हम एक वचन में ही बोलते हैं, तो वो कोई हम ग्रामर नहीं पढ़ा रहे यहाँ अंग्रेजी की, ना किसी की ठीक करने वाले हैं, उस बात को छोड़ो, तो आते हैं वो तो चलो एक अलग बात है। वॉल्यूम क्रोर बिटवीन ये हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया, और आगे है DVA डेज, ये बड़ा ट्रिकी था बड़ा, इसने मैं ना आलस मेरे को यार ये छोड़े है ना, इसको कौन बनाएगा, नीचे 72 लिखा हुआ है, 72 का मतलब 72 से दिनों के लिए, वो सीधा फार्मूला है नहीं है, ये 50 की दिनों की जो नंबर ऑफ शेयर हैं यानी वॉल्यूम की एवरेज चाहिए थी, और वो सीधा फार्मूला है नहीं कि आपने वो लिखा
गूगल शीट के ऊपर और 72 दिन लिख दिए, 50 दिन लिख दिए या कोई डेट लिख गई तो पिछले का वो निकाल के दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 50 के लिए वो पूरी 50 लाइनें नीचे जो शीट की होती है, एक शेर खाता है, टोटल 1357 शेर हैं। तो पहले तो 1357 शेर इस मसले को हल करने के लिए आप हिसाब लगा लो भी कितने पेज चाहिए, एक स्क्रिप्ट के लिए पेज नहीं सॉरी पंक्तियाँ चाहिए कम से कम 50। अगर ऊपर वो स्क्रिप्ट और जो ऊपर वाली जो इबारतें ना लिखें तब भी कम से कम 50 चाहिए, और 50 चाहिए तो वो फंस जाएगी। कई बार छुट्टियाँ आ जाती हैं, कम ज़्यादा हो जाता है, कभी बार ये 72 है, कई बार 71 करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, ऊपर नीचे होता रहता है टेबल, तो थोड़ा सा स्पेस भी देना होता है किसी चीज़ को, तो 55 मान लीजिए और 1357 है। तो ये एक बहुत ही सिर खपाऊ था आइडिया मेरे पास था, लेकिन मैं इसको टालता आ रहा था कि छोड़ो यार इस पर क्या करना है। लेकिन जब मैंने कैमरन के वीडियोस देखे तो और रिलेटिविटी को समझा तो ऐसा था कि जैसे ITDCM है, इसमें देखिए ना ITDCM में 970 करोड़ का ही बिजनेस हुआ है, लेकिन 10 बजे तक इसका चार्ट देख लेना खोल के, 3 का तारीख थी उसका जो चार्ट था, उस चार्ट में कितना शानदार वो चार्ट था नीचे से, और 10:21 पर वो छू लिया था उसने अपर सर्किट को, कभी थोड़ा थोड़ा लाल, ज़्यादा हरे में ही रहा। तो ये सारा काम इतने में हो गया था, बाद में फिर वो नीचे टूटता रहा, ऊपर आता रहा, अंत में वो 20% अपर सर्किट पर ही बंद हुआ। तो ये बता रहा है क्या अपर सर्किट? हाँ अपर सर्किट पर ही बता रहा है ECT। तो ये नई ऑप्शन और ये फ्यूचर वाले शेयर उनमें है क्या कि उन्होंने वो इनके परछाइयाँ हैं इन शेयरों की, डेरिवेटिव जिसको कहते हैं, ये तो छाया है वो परछाइयाँ, ये भी छाया है वो परछाइयाँ, आगे कोई और भी डायमेंशन होते हैं आदमी की चेतना के, तो कहीं हैं हेलुसिनेशन वगैरह, खैर हम उस पर नहीं जाते फिलासफी में। तो ये हो गया कि ये क्या होता है, तो इसको टाला जा रहा था, लेकिन वो मैडम जी कनाडा चले गए 6-6 महीने के लिए, तो मेरे पास खुला टाइम हो गया रात को, मेरे को रोकने टोकने वाला नहीं था। अब तो सारी रात में 3 कप चाय पियो, 4 चाय पियो, स्टेशन पर जाओ 2 बजे रात को, 3 बजे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वहाँ 3 दुकानें यार, अच्छे मित्र हैं, अच्छी रौनक मेला है ना, बच्चे बच्चियाँ स्त्रियाँ पुरुष हैं ना, साधु सन्यासी सारे मिलते गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए, कई मित्र बन गए, तो वहाँ तो ऐसा ही है निशाचर आदमियों के साथ ऐसा ही होता है। तो काफ़ी समय लगा और इस आलस को त्यागना पड़ा, और दिमाग के अंदर कोई बात आइडिया आ जाती है तो उसको आप टाल तो सकते हो, लेकिन वो पिंच करती रहती है ना, तो उसको कहना पड़ता है या उसकी अभिव्यक्ति तो होती है किसी न किसी रूप में। तो ये हुई और ये अंत में इसको बनाना पड़ा, ये पहले भी था वो उसमें नहीं था, इन चीज़ों को छोड़ दिया गया था, किन किन चीज़ों को, क्योंकि ये ट्रिकी थी, इसको छोड़ा गया, क्या नाम जो वैल्यू एवरेज जो होती है नंबर ऑफ शेयर की, और दूसरा DMA को छोड़ा गया, मूविंग एवरेज, डेमा जिसको बोलती हैं, डेली मूविंग एवरेज, ये 20 दिन की डिफ़ॉल्ट मैंने लिख ली, डाल दी फार्मूला में, तो 20 से ऊपर वाले ही होते हैं शेयर, नीचे जो चल रहे हैं वो नहीं होते किसी भी ट्रेडिंग के लिए, ना कोई स्विंग के लिए, ना इन्वेस्टमेंट के लिए, ना इंट्राडे के लिए। तो उसको ये फिल्टर कर देता है, और फिल्टर 20 के क्राइटेरियन के ऊपर नीचे करेगा, इसमें 20 ही रखी है, ऊपर नीचे हम कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये अगले में ये बताया है आगे जाके DMA बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो यहाँ मैंने 2 बार रखा है और इधर 27 बार रखा है, 27 बार रखा है। तो अब DMA का ऊपर नीचे जो दिया हुआ है ये दिया है, DMA का ऊपर नीचे ये DMA ये आ गया इसके नीचे, तो ये देखो, तो ये 23 आ गया ना, वो 27 डाला था तभी 23 आ गया, 16, 19, 11, 7, 10 और नीचे माइनस में डाला है, तो ये नीचे माइनस भी 1.30 भी आ गया, उससे नीचे नहीं गया, और
27 से ऊपर भी नहीं गया। तो ये सारे दिन का काम है। अब इसको सारे ये चेंज हो जाएंगे। अब तो यहाँ कितने शेयर आ रहे हैं, ये 20-1 आ रहे हैं, तो हम थोड़ी सी इसकी लूज़ कर दें वैल्यू, तो लूज कर देते हैं। तो 27 से घटा करके अगर हम इसको 15 कर देते हैं, इतनी दूरी पर चला गया, तो अब 15 कर देते हैं तो ITDCVM वगैरह, ITDSM की क्या चल रही है, ITDCM की ये चल रही है, क्या नाम है, 2396, और हमने 15 कर दिया। ये उसके बाद में 1699 है, फिर ये 19 है, ये सारे के सारे उड़ जाएंगे क्योंकि 15 कर दिया। अभी करता हूँ मैं कमांड, देता हूँ, ये कमांड दे दी, अब देखती हैं इसमें आ गई कमांड, कमांड आ गई होगी, आ गई। तो अब ये उड़ गया ना, ITDCM कहाँ है, अंबर आ गया, तो ये 11.2 और वो 15 से नीचे, तो और संख्या कम होगी। तो इस तरह से टाइट कर सकते हो, लूज कर सकते हो, ये आपके फिल्टर हैं 12। तो 12 फिल्टरों को ऐसा कोई स्कैनर मेरे को तो मिला नहीं जो इसको टेबल वाइज दिखा सके। और ये DMA की जो वैल्यू है, मार्केट क्लोज होने के बाद जब भाव कॉपी वगैरह आ जाती है, उसके बाद भी तो बहुत से सौदे होते हैं, निपटान होते हैं, उसके बाद जब वो NSE अपने अपडेट करती है, वो चाहे ट्रेडिंग व्यू है जो थ्रू आउट वर्ल्ड में फ्री के चार्ट प्रोवाइड करता है सारी मार्केटों के, उसमें देखोगे तो DMA जो आएगा उसकी एग्जैक्ट यही होगी। मान लो यहाँ DMA 4635.07 है, तो ये 7 पैसे ही होंगे, 5 नहीं होंगे, 6 नहीं होंगे। तो अब एक वो तरीका था पहले लोगों का कि वो चार्टों को खोलते थे और देखते रहते थे, अब 1357 चार्टों को खोलो और फिर DMA देखो, मूवी का एवरेज। मेरे को बड़ा इसने पजल किया कि यार इन चीज़ों की कोई अंकों में भी हो सकती है, या ये कैसे आते हैं, ये चीज़ें कैसे आके बन जाती हैं, ऐसे ऐसे करके ये कैसे होता है, तो इसको फिल्टर कैसे करें। ऐसे थोड़ी भी 1357, तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। 1357 स्क्रिप्टें तो आपने ले ली चार्टों के, है ना, ठीक है। आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाए, तो एक के ऊपर अगर आपने 30 सेकेंड भी लगाए तो कितने मिनट लगेंगे, हिसाब लगा लो 1357 के। तो फिल्टर चाहिए था, तो फिल्टर लगाने से वो आ गए। अब ये जो आए हैं 20 से ऊपर वाले हैं, ये इसका क्राइटेरिया किए, और तो ये सारी क्राइटेरिया अलग अलग हैं, सिंपल से मैथमेटिक वाले क्राइटेरिया जो सारे ही समझते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग जो है सिंपल होती है, मैथमेटिकली बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकली नॉट इजी, है ना, सिंपल बट नॉट इजी इसके बारे में कहा जाता है। तो उतना ही है जैसे हम 80 के दशक में पिछली सदी में और उसी सर्कसों के कलाकारों को देखते थे और हैरान होते थे कि यार ये कैसे इतने इतने उल्टे सीधे ये करतब कर लेते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ और बच्चे। अब हम ये ओलंपिक में देखते हैं तो तारों पर चलना संभव है, उल्टी सुलटी बाजियाँ लगाना संभव है। इन द सेम वे तो जो लोग हैं, जो ट्रेंड हैं, जिन्होंने टाइम लगाया है, प्रैक्टिस की है, वो ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं। लेकिन वो टोटल आंकड़ों के हिसाब से सेबी भी कहता है कि 91% पीपल आर लूजर्स, वो एक सच है। तो नो नहीं लूज करते, वो कमाते हैं। तो जो ऑप्शन और वो दूसरा है वो तो परछाई है सीधी सीधी फ्यूचर है, और उसका मेरे को तो कोई ज्ञान नहीं। मैं तो कैश में ही मिल जाती है एक दिन में 20% के, एक खास समय के लिए बैठना है, चिपके तो नहीं रहना 24 घंटे। वैसे तो मार्केट तो कई फॉरेक्स वगैरह 24 घंटे चलती है, या कोई और तरह पता नहीं कितने औजार आ गए हैं जो चलते हैं, बोट वगैरह भी आ गया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, वो एक बनाया है कि उसमें लगाओ और ये फार्मूले, वो अलग हैं। अब ऐसा तो कोई है नहीं है दुनिया में कोई ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बोट हो जो आपको ऑटोमेटिक कमाई करके दे दे। इस चीज़ को प्रचारित बहुत किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता, सारे थोड़ी कमा लेंगे, सारे कमा लेंगे तो ये तो 6 महीनों के अंदर अंदर NSE बंद हो जाएगा, खाली हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, 6 महीने भी नहीं लगाएगा, लोगों के पास सारों के पैसे आ जाएंगे। तो ये जीरो राशि खेल है, ऑप्शन ट्रेडिंग है,
या फ्यूचर ट्रेडिंग, ये जीरो राशि के अलावा एक की जेब से निकलता है दूसरों के, लेकिन ये मुहूर्त है। इसलिए अच्छा है कि हम ना दिल नहीं दुखाते किसी का, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा दिल के आप मजदूरों का दिखाते हो, वो तो पूंजीवाद है, वो तो बहुत से उनको लूट लेता है, बाद में ये मार्केट में आ गया, ये लालची लोगों की दुनिया है। तो लालची लोगों की आदतें हैं, उसको सट्टेबाजी कह लो, जो जुएबाजी कर लो, एक जेब से निकाला दूसरी जेब में, जेब तब्दीली की है ना। तो किसी को अगर ये कोई इसी तरह का ऐब है तो उस ऐब को प्रोफेशनली तरीके से करने के लिए तो प्रोफेशनल बनेंगे, तो उसके जो बुनियादी नियम हैं सीखिए, और कोई अच्छा स्कैनर होना चाहिए जो कि इसकी तीसरी आंख होती है ना। फौजी को लड़ने का कुछ ज़्यादा शौक तो नहीं ना होता, 100 साल पहले आर्म्स एंड मैन आया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, तो वहाँ का तो जो अफसर है वो तो तनख्वाह के लिए लड़ता है, और कोई भावनाएँ थोड़ी होती हैं बॉर्डर पर जाके, या और भी किसी विचारधारा के लिए लड़ने के लिए, तो दाल रोटी का सवाल होता है ना। मजदूर तो इसलिए कोई क्रांति क्रूंति इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कोई ये थोड़ा ही अभी चढ़ जाए फांसी पर, है ना, भगत सिंह चढ़ गया तो सारे थोड़े चढ़ेंगे, चढ़ जाते हैं कभी कभी, कुर्बानी हो जाती है जाने अनजाने में। भगत सिंह को कौन सा दिल करता था, वो भी तो शेक्सपियर के कॉलर की मांगता है ना, वो शर्ट वगैरह। खैर हम उधर नहीं जाते, फिर आते हैं इस धरती के ऊपर, कभी कभी भूत प्रेतों में अतीत के महामानवों के ख्वाब आने जाने लग जाते हैं, तो वो तो आते हैं, वो नहीं छूटती। तो आगे है DMA बिटवीन हो गया, और लास्ट में है DVA डे टू, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, बदला जा सकता है, इसको बदलना तो पड़ता है, कभी एक कठिन बदलना पड़ता है, कभी दो, कभी तीन, इसलिए करना पड़ता है कि ये जो अंक दे रखे हैं तीन तारीख वाले, ये तारीखें सही आना यहाँ आनी चाहिए, अपीयर होनी चाहिए, नहीं तो ये गायब हो जाएंगी। अगर तो कई बार छुट्टी होती है तो ऊपर ये 3, 72 और 29 ये लिखा हुआ है ना, DVA डेज 72 और DMA 29 और लास्ट में DVA डे 2 लिखा हुआ है, तो ये कई बार 29 का 27 करना पड़ता है, 28 करना पड़ता है, ये एक आधा ऊपर नीचे छुट्टी अगर हुई हो तो करना पड़ता है और इसको सजाना पड़ता है। तो ये तो चाहे 1000 फाइलें हों, उनको एक मोबाइल से ही कंट्रोल किया जा सकता है, और वो मैं कर सकता हूँ कहीं भी बैठा हूँ, तो ये तो डिफ़ॉल्ट है। ज़्यादा स्कैनर उसको जिसको दिया जाएगा, मैंने उन 12 में इसकी गिनती नहीं की, इनकी जो चेंजिंग करने वगैरह की है, तो ये डिफ़ॉल्ट में सभी, कोई भी इसको छेड़छाड़ नहीं करेगा, बाद में वो अंकों में उलझ जाएगा और यहाँ अपीयर ना हुए तो वो परेशान हो जाएगा कि मेरी कोई वैल्यू गड़बड़ होगी, तो इसको हम लॉक कर देंगे, है ना, जितनी भी हैं तीनों चीज़ें, बाकी सारी प्रो के लिए ओपन होंगे, बाकी कुछ कुछ सारी की सारी लाइनें, सारे पैरामीटर्स, तो उस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब ये और लूज करके देखें क्या होता है, तो लूज करने से क्या होगा, क्या चीज़ लूज करें हम, मान लो इसको DVA क्राइटेरियन एक्स को करते हैं, जो एक है, बड़ा एक्स एक है, जो पहले वाला है 7 गुना दिखा रहा है, एक का मतलब जितने 90 दिनों में शेयर ट्रेड हुए थे उनकी एवरेज थी, एक का मतलब है कि उस एवरेज के बराबर, 7 का मतलब है कि 7 गुना किसी दिन, तो ये वॉल्यूम, इसीलिए वॉल्यूम को वजीर कहा जाता है, जो राजे से भी ज़्यादा, प्राइस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो इसको लूज करते हैं अगर सुबह सुबह है, तो ऐसे थोड़ा ही है कि 1% हो जाएगा, तो 20-30 मिनट चाहिए वो 1-2% होने के लिए, तो एवरेज से होता है, फिर ही तभी जाता है ना। कई बार तो इसमें बहुत ज़्यादा शेयर ट्रेड हो जाते हैं, ये 120% तक भी हो सकता है, तो ये चेंज किया, ये कर देते हैं चेंज दूसरे मोबाइल से, एक जगह पर 30 पैसे कर दिया। 30 पैसे करने से क्या तब्दीली आई है, तो 30 पैसे एक्स में आएगी तब्दीली, उधर से इधर में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्लाउड में जाएगा और ये आ जाएगा, हो गया, क्यों उधर नहीं हुआ।
अभी जब माउस बाहर हटाएंगे तभी है ना। अब हो गया तो ये 10-15 सेकंड लेगा है, ज़्यादा नहीं। हो गया तो ये इतने हो गए, अब 23 हो गए है ना, 30% ये 49 पैसे वाले भी आ गए। पीसीटी तो एक ही किया हुआ है, और घटा के देखते हैं और क्या घटाएं, और यही घटा लेते हैं, 10 कर देते हैं, 20 वॉल्यूम जो है ये 10 कर दिया मिनिमम, तो 10 कर दिया तो वॉल्यूम में तो ये अब और शेयर घट जाएंगे, बढ़ जाएंगे इनकी संख्या, ये बढ़ गई, अब 26 लाइनें भर गई हैं। इसी ढंग से ये और क्या करें, हम ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स, तो DMA जो है इसको बढ़ा के 30 करते हैं मैक्सिमम को, तो वो भी आ जाए है ना, मैक्सिमम बढ़ाते जाओ और दूसरा घटाते जाओ, ये -4 दे, -5 कर देते हैं, तो नंबर ऑफ ये बढ़ जाएंगे और ज़्यादा है ना, तो DMA की जो वो लाइन है उससे दूरी बढ़े, तो DMA में क्या आ गया, तो ये देखो इतने हो गए है ना। तो ये मतलब ये था, इतना ही समझाना था DMA में, ये देखो -4 वाला आ गया ना, और ये ऊपर 23 वाला है, तो एक DMA डिस्टेंस के हिसाब से लिखा है, डिस्टेंस वही है ना मिनिमम और मैक्सिमम, कि कितना ऊपर है कितना नीचे है, और DMA जो है वो DMA वैल्यू है जो उस लाइन के सामने लिखी हुई आती है चार्ट के ऊपर, प्राइस और ये है ये सारे जानते हैं। आगे ये लास्ट वाले तीन भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये इनमें ना हीट दिया हुआ है, पहले मैं डिस्ट का मतलब डिस्टेंस है, मैं इसको कर देता हूँ, हमारे पास जगह है तो डिस्ट की स्पेलिंग कर देते हैं, उधर से दूसरे से मैं बदल देता हूँ, तो उधर किधर गया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इधर देखते हैं भैया, ये है DMA बिटवीन के नीचे, DMA बिटवीन के नीचे डिस्टेंस, हाँ ये आ गया, यहाँ है, हाँ यहाँ ये डिस्टेंस, ANCE डिस्टेंस, प्रतिशत भी लिख दें, प्रतिशत देखते हैं जगह, क्योंकि ये मोबाइल पर ही चलाना था, तो वीडियो रिकॉर्ड मोबाइल से हो रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो ये प्रतिशत डाल देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ना स्पेस का, अब देखते हैं आया नहीं क्या, आ जाएगा डिस्टेंस, ओहो नहीं आएगा उधर से नहीं आएगा, इसको नहीं, वो सीधा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बाद में इसको कर लेंगे, चलो छोड़ो इसको। आगे है ये हीट में दिए हुए हैं दोनों रंग, हीट का मतलब होता है कि जो नियरेस्ट होता है वो उसी ढंग का रंग ज़्यादा हरा, और दूर होता है वो लाल, फिर और ज़्यादा लाल, फिर और गहरा, फिर और गहरा, तो हीट का ये लगा के ऊपर, तो पहले जो डिस्टेंस है ये लास्ट बड़े तीन हैं जो, तो 52 हफ्तों का या 3 महीनों का जो भी है उसने ऊपर जो ब्रेकआउट दिया था उससे वो कितना दूर है, तो ये पहला तो 0 ही दूर है, अब तारीख बदल गई, ITDS में हिस्टोरिकल हाई गया है, और लास्ट वाली डेट है
10 अक्टूबर 2024 को हरे रंग में है, और नीचे जो दूसरा है वो 27-9 को गया था, तीसरा 10-3 को दिए गया है, और फिर वो 8वें महीने की 20 तारीख को है, तो वो लाल है और बहुत ज़्यादा लाल है वो उससे और होगा। तो इसी ढंग से ये डिस्टेंस भी देखिए कि जो जीरो वाला है वो हरे रंग का है, -5.56 है वो लाल का हो गया, लेकिन नीचे देखते हैं 12.17 वो ज़्यादा लाल है, 9.55 वाला कम है, तो ये तो वो हो गया हीट है। तो ये इतना सारा टोटल ये था। थोड़ा वादा किया था कि 30-1 मिनट की वीडियो फिर भी चली गई है, सही है, तो होगी तो कोई नहीं। तो ये बोर किस्म का टीचर हूँ मैं, तो इस बोरियत के लिए आपसे क्षमा याचक हूँ, धन्यवाद।